नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है गेयरबॉक्स रेशो कैलकुलेशन। आपने देखा ही होगा इंडस्ट्री में काफी तरह के गेयरबॉक्स का यूज किया जाता है और होता क्या है, काफी लंबे समय तक चलने के बाद उन गेयरबॉक्स के ऊपर जो नेम प्लेट होती है वो या फिर मिसप्लेस हो जाती है या फिर रस्टेड होने के कारण उसके ऊपर जो डिटेल लिखी होती है वो विजिबल नहीं रहती। तो आज की वीडियो में हम इसी कंडीशन में देखेंगे कि इसी कंडीशन में अगर हम किसी गेयरबॉक्स की रेशो कैलकुलेट करनी हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले ऑप्शन में हम एक रनिंग कंडीशन में जो गेयरबॉक्स है उसकी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे, और फिर एक दूसरे वे से एक वर्कशॉप में जो गेयरबॉक्स पड़ा है उसकी रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। तो वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हमारे दूसरे चैनल जीके पॉइंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस चैनल को भी जरूर चेक करें। अगर आपको अच्छा लगे तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे गियर्ड मोटर गियरबॉक्स की। इसमें होता क्या है, मोटर की शाफ्ट के ऊपर एक पिनियन लगा होता है और इस पिनियन के द्वारा आगे गियर्स को ड्राइव दी जाती है। इसमें काफी गियर्स लगे होते हैं और इन गियर्स की मदद से आउटपुट आरपीएम को कम किया जाता है। दोस्तों मोटर आरपीएम है 1440, गियरबॉक्स की रेशो और इसके आउटपुट आरपीएम हम फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए ये गियरबॉक्स एक रनिंग कंडीशन में है तो हमने करना क्या है, एक सेकंड के लिए मोटर को स्टार्टर से बंद करना है और उसके बाद में हमने गियरबॉक्स की इस आउटपुट शाफ्ट की इस कपलिंग के ऊपर एक मार्क लगाना है। आप ये मार्कर से भी लगा सकते हैं या फिर आप पंच से भी यहां पे मार्क कर सकते हैं या फिर आप ये मार्कर से इसकी शाफ्ट के ऊपर भी यहां पे निशान लगा सकते हैं। हमने सिर्फ ये चेक करना है कि ये शाफ्ट कितने सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो हमने क्या करना है, मोबाइल में अपनी स्टॉपवॉच को ऑन कर लेना है और जब स्टॉपवॉच को हम स्टार्ट करेंगे तभी हमने यहां पे इस मोटर को स्टार्टर से ऑन करना है और ये चेक करना है कि ये एक चक्कर कब कंप्लीट करती है। तभी हमने मोबाइल में स्टॉपवॉच को बंद कर देना है और हमने ये टाइम नोट करना है कि इस शाफ्ट ने एक रेवोल्यूशन कितने सेकंड में कंप्लीट किया। तो मान लीजिए इसने एक रेवोल्यूशन शाफ्ट ने एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट किया 4 सेकंड में। दोस्तों एक रेवोल्यूशन का टाइम हमको पता चल गया 4 सेकंड, यानी इस शाफ्ट ने एक पूरा चक्कर कंप्लीट किया है 4 सेकंड में, जो हमको मोबाइल में स्टॉपवॉच से इसका टाइम मिल गया है। तो अभी हमको क्या करना है, इसका एक मिनट का निकालना है कि ये एक मिनट में कितने चक्कर कंप्लीट करेगी ये वाली शाफ्ट। तो हमने क्या करना है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 60 को डिवाइड करेंगे हम इस वैल्यू से 4 सेकंड से, तो हमारे पास आ जाएगा 15, यानी एक मिनट में यह शाफ्ट 15 बार रोटेट करेगी। एक सेकंड 4 सेकंड में घूम रही है एक बार और एक मिनट में यानी 60 सेकंड में घूमेगी 15 बार, यानी हमको इसके आउटपुट आरपीएम मिल गए हैं। हम इसके आउटपुट आरपीएम यहां पे लिख सकते हैं 15, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में यह 15 बार शाफ्ट रोटेट करेगी। तो आउटपुट आरपीएम हमारे पास आ गए हैं 15। अभी हमको क्या करना है, गियरबॉक्स रेशो कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हम गियरबॉक्स रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो गियरबॉक्स की रेशो फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे, मोटर आरपीएम को डिवाइड करेंगे आउटपुट आरपीएम के साथ। तो मोटर आरपीएम हमारे पास कितने हैं 1440, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 15 के साथ। दोस्तों अगर हम मोटर आरपीएम को गियरबॉक्स के आउटपुट आरपीएम से डिवाइड करते हैं जो हमने यहां पे टाइम के साथ कैलकुलेट किए हैं, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी, यानी ये जो 96 वैल्यू जो आई है ये इस गियरबॉक्स की रेशो है, यानी ये गियरबॉक्स 96:1 का गियरबॉक्स है। इसका मतलब है कि अगर इस मोटर की शाफ्ट ये वाली शाफ्ट 96 बार रोटेट करती है तो इसका आउटपुट ये वाली शाफ्ट गियरबॉक्स की एक बार रोटेट करेगी। ठीक है दोस्तों, मोटर की शाफ्ट अगर 96 बार रोटेट करती है तो गियरबॉक्स की शाफ्ट एक बार रोटेट करेगी, और अगर ये शाफ्ट 1440 बार रोटेट करती है तो गियरबॉक्स की आउटपुट पे हमको 15 आरपीएम मिलेंगे, यानी जो आउटपुट आरपीएम मिलेंगे वो 15 मिलेंगे।
तो दोस्तों ऐसे हम जो एक रनिंग कंडीशन में गेयरबॉक्स है उसके आउटपुट आरपीएम और उसकी गेयरबॉक्स की रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी हम ये जो वर्म व्हील गेयरबॉक्स है जो वर्कशॉप में पड़ा है इसकी गेयरबॉक्स की रेशो को फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों ये एक वर्म व्हील गेयरबॉक्स है, इसमें दो शाफ्ट यहां पे दिखाई दे रही हैं। ये जो नीचे वाली शाफ्ट आप देख रहे हैं ये है वर्म शाफ्ट, ठीक है दोस्तों। यहां पे हम ड्राइव देते हैं मोटर के द्वारा, यानी इनपुट ड्राइव जो होती है यहां से दी जाती है। और ये जो शाफ्ट आप देख रहे हैं ये है इसकी वर्म व्हील शाफ्ट, यानी यहां पे एक गियर होता है जिसको हम वर्म व्हील भी बोलते हैं, ये शाफ्ट उसमें लगती है। और यहां पे हमको जो आरपीएम मिलते हैं वो मिलते हैं इसके आउटपुट आरपीएम, ये है इसके। यहां पे हम इसको देते हैं इनपुट आरपीएम, यानी इसको यहां पे ड्राइव देते हैं। तो हमने यहां पे क्या करना है, यहां पे मोटर तो है नहीं, तो हमने क्या करना है इसके आउटपुट आरपीएम पे ये जो कपलिंग लगी हुई है यहां पे हमने एक मार्क लगाना है, और यहां पे यहां से इस कपलिंग को हाथ से इसको रोटेट करना है। और हमने ये चेक करना है कि ये कपलिंग एक रोटेशन यानी एक रेवोल्यूशन वही कितने कितने चक्कर में कंप्लीट करती है। यहां पे हमने ये जो रोटेशन है इसको काउंट करना है और ये देखना है कि यहां पे कितने काउंट से ये एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है। तो मान लीजिए हमने इसको हाथ से ऐसे रोटेट किया तो 40 बार रोटेट करने से, यहां पे 40 बार रोटेट करने से यहां पे ये कपलिंग ने एक चक्कर को कंप्लीट किया है। तो इस गेयरबॉक्स की जो रेशो मिलेगी वो मिलेगी हमको 40:1 का ये गेयरबॉक्स है, क्योंकि यहां पे इनपुट पे हमने कितने आरपीएम इसको दिए हैं, कितने बार रोटेट किया है 40 बार, और आउटपुट पे हमको आरपीएम मिले हैं 1। तो ये गेयरबॉक्स की रेशो हमको फाइंड आउट हो गई है, 40:1 का ये गेयरबॉक्स है। तो एक ऐसे इस तरीके से हम गेयरबॉक्स की रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको रनिंग कंडीशन में फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे टाइम से भी यानी सेकंड से भी ऐसे कैलकुलेट करके एक रेवोल्यूशन कितने सेकंड में कंप्लीट किया है ऐसे भी इस तरीके से भी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।